वेलकम अगेन ऑन पार्ट थ्री ऑफ फेब्रुअरी सीरीज। सो अभी हम सीधे जाने वाले हैं नाइट सफारी की तरफ, और मैं आपको बताऊं ताडोबा नेशनल पार्क में नाइट सफारी बफर जोन जिनोना गेट से होती है, और ये सफारी शाम में 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक होती है। इसमें ज़्यादा एरिया कवर नहीं करते हैं, बट थोड़े से जिनोना बफर के एरियाज़ को कवर किया जाता है, और जो मेन रोड है मोहरली गेट वाला, उसमें जिप्सी का जाना अलाउड है। हमने जैसे ही अपनी सफारी शुरू की, उसके 15 या 20 मिनट के बाद ही हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे आसपास एक टाइगर मूवमेंट हुआ है, और ये टाइग्रेस वही टाइग्रेस थी जिसका नाम है कॉलर वाली, जिसको हमने अपने सेकंड सफारी के मॉर्निंग वाले स्लॉट में मिस कर दिया था। तो इस बार हम नहीं चाहते थे कि हम इसको किसी भी हालत में मिस करें। सो हमने ये स्ट्रेटजी बनाई कि जो नियरेस्ट वाटर होल है, जो कि उसका एक फेवरेट वाटर होल भी है, तो हम वहीं जाके इंतज़ार करेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स थे। हम बहुत ही पेशेंटली इस वाटर होल पे लास्ट 1 आवर से उस टाइग्रेस का वेट कर रहे थे, और मुझे पूरा भरोसा था कि वो यहाँ पे ज़रूर आने वाले। और ऐसा हुआ भी। एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद वो टाइग्रेस इसी रूट से सामने की तरफ चलती हुई आ रही थी। इतने में क्या हुआ कि हमारे बगल वाली जिप्सी में एक टूरिस्ट ने उस टाइग्रेस के ऊपर बार बार टॉर्च लाइट मारना शुरू किया, जिससे परेशान होकर वो टाइग्रेस वापस जंगल में चली गई। मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मुझे लगा कि उस बंदे का जाके टकला गरम कर दूँ, लेकिन फिर मैंने अपने भावनाओं पर कंट्रोल किया और फिर हम पेशेंटली वेट करने लगे। फाइनली उसके आधे घंटे के बाद उस टाइग्रेस ने अपना इरादा बदला और वो वापस उस वाटर होल की तरफ हमें आती हुई दिखी। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि उस सेम टूरिस्ट ने उसके ऊपर टॉर्च मारना बंद नहीं किया है। चलो 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 चलो। जल्दी चलो 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 जल्दी 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 चला गया अंदर का चला गया अंदर चला गया चला गया चला गया। मैं बोला भी पहले गाड़ी भी घस ले था, अपने को पता था। अबे आगे चलो समोर के ना। ये प्रैक्टिकली हमारी बुकिंग के हिसाब से लास्ट सफारी होने वाली थी, और ये सफारी हमने फिर से देवाड़ा गेट से की थी। और इस बार हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह टाइग्रेस माधुरी, जो कि ताडोबा की ओल्डेस्ट टाइग्रेस है, उसको हम स्पॉट कर पाए। और उसके कुछ मूवमेंट के हिसाब से हमने अपने आप को उसी जगह प्लेस किया था जिस जगह हमें डब्लू फीमेल और उसके बच्चे मिले थे। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टाइग्रेस के बिहेवियर के हिसाब से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हमें यहाँ पर जानने को मिली कि जो डब्लू फीमेल और उसके बच्चे हमने लास्ट टाइम स्पॉट किए थे, ये दरअसल उसका एरिया नहीं है। ये एरिया माधुरी टाइग्रेस और उसके बच्चों का है, और डब्लू टाइग्रेस जो है अपने बच्चों के साथ कभी कभी माधुरी टाइग्रेस के एरिया में भी घूमती फिरती दिख जाती है। यहाँ पे वेट करते करते हमें लगभग 2 घंटे हो चुके थे, और कहीं से भी किसी तरह की मूवमेंट या किसी तरह का कोई अलार्म कॉल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और हम बिल्कुल इम्पेशेंट होते जा रहे थे क्योंकि सफारी लगभग 4 घंटे की ही होती है और 2 घंटे का टाइम ऑलरेडी हमारा जा चुका था। जिस तरह से हम यहाँ वेट कर रहे थे, वैसे ही कुछ जिप्सी वाले अपोजिट डायरेक्शन में एक वाटर होल है, वहाँ पे वो वेट कर रहे थे। 2 घंटे के बाद हमें वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे एक टाइगर साइटिंग हुई है। और फिर क्या था, हमारे ड्राइवर ने जो रजनीकांत स्टाइल में गाड़ी चलाई है, आप खुद ही देख लीजिए।
ये जो टाइगर आप देख रहे हैं, ये दरअसल माधुरी का मेल कब है। तो हमें जब ये पता चला कि ये माधुरी टाइग्रेस का मेल कब है, तो हमें पूरा भरोसा हो गया कि माधुरी टाइग्रेस भी कहीं ना कहीं आसपास ही होगी। तो हमने यहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने का फैसला किया और हम आगे की तरफ मूव ऑन हो गए। और फिर क्या था, जैसे कि माधुरी टाइग्रेस को पता था कि हम कितनी ज़्यादा शिद्दत से उसको देखना चाहते हैं, सो फाइनली प्रेजेंटिंग बिफोर यू ऑल द ओल्डेस्ट टाइग्रेस ऑफ ताडोबा माधुरी। क्या लेंगे इसमें यार, ऐसा मत करो यार, तुम लोग आ जाना था ऊपर चढ़ी गई। जितनी ज़्यादा खुशी हमें माधुरी टाइग्रेस को देखने की थी, उससे कहीं ज़्यादा दुखी हमारे गाइड साथ थे, क्योंकि हमारा वक्त ऑलमोस्ट 1 घंटे का बचा था और यहाँ से हमारा जो एग्ज़िट गेट था उसको कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा हमें, वो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, आप अभी देख सकते हैं कि हमारे आगे कम से कम नहीं भी तो 10-15 जिप्सी थी और ये एक वन वे रोड था, दोनों तरफ से पैक, देर वॉज नो अदर वे राउंड। ही वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर वे, बट सामने तो टाइगर साइडिंग चल रही है। और बदकिस्मती से जितनी भी गाड़ियां हमारे आगे थीं, उन सभी का एग्जिट गेट हार्डली 15 मिनट्स की दूरी पे ही था। नेवरदलेस हमें इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमें ओवरटेक करने कोई दे नहीं रहा था और इसी दौरान हम क्रॉस करते करते साइटिंग भी करते जा रहे थे। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि टाइगर्स की साइटिंग हमें बहुत अच्छे से हो पाई थी। अभी टाइम नहीं अपने को, मैं देगा मो ज्यादा दिन लेकर आते हैं माने पूरे 12 नंबर कराओ साइड ले गएंगे ना आप जल्दी आगे तो हेड में वो हाँ सही, और जल्दी करो चलिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रैक्टिकली ये हमारी आखिरी सफारी थी, दिस वाज आवर लास्ट सफारी। बट अभी तक हमने जितनी भी सफारियाँ की थी,
वो सारे के सारे बफर जोन में ही थे। यहाँ आने से पहले मैंने कोर जोन की बुकिंग जब देखी तो वो सारी फुल हो चुकी थी, और मैंने क्या प्लान किया कि हम वहाँ जाएंगे और तत्काल बुक करने की कोशिश करेंगे। बट जिस दिन हमने प्लान बनाया था कि इस दिन हमने तत्काल बुक करना है, उस दिन अनफॉर्चुनेटली कोर जोन बंद रहता है। बट हमारी किस्मत में एक टेरिफिक और एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल टाइगर साइटिंग लिखी हुई थी अभी भी, डिस्पाइट वी डिडंट हैव एनी प्लानिंग एनी टिकट। और वो ये कि हम अगले ही सुबह पहुंच गए मोहरली गेट के सामने और हम वहाँ चुपचाप जाके खड़े हो गए। और फिर क्या था, हमने कैंटर सफारी के लिए अपना आवेदन डाला और वहाँ से जवाब आता है कि सारी की सारी सफारियाँ बुक हो चुकी हैं, तो आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा वेट करना होगा। इन केस अगर कोई सफारी कैंसिल करता है तो ही आपका कोई चांस बनेगा। हम तो उस गेट पे गए ही इसलिए थे कि हमें कहीं ना कहीं से टिकट का कुछ जुगाड़ हो जाता। और फिर क्या था, किसी भले आदमी ने 3 टिकट अपनी कैंसिल करवा दी थी और उसमें से 2 टिकट हमें मिल गई। वो 2 टिकट का मिलना मानो ऐसा था कि जैसे हमने टाइगर देख ही लिया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम कोर जोन में जाएंगे तो हमें टाइगर साइटिंग ज़रूर से होगी। फिर जब हमने अपनी सफारी शुरू की तो कैंटर में बैठे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना शुरू किया। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत बार कैंटर सफारी में आ चुके हैं बट उन्हें कभी भी टाइगर नहीं दिखा। फिर हमने उनसे कहा कि आपको आज घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज आपको बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग होने वाली है। ओरिएंटल हनी बजर्ड पानी के अंदर है, नहीं नहीं वो किनारे पे, किनारे पे है ना बर्ड है वो, और उससे के आगे जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना वो लेसर विस्लिंग टील डक्स है। नहीं नहीं था साले, नाम क्या बोले, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, ईगल सरपेंट ईगल स्नेक पकड़ता है वो, क्या बोलते हैं स्नेक सरपेंट स्नेक बोलते हैं। और क्रेस्टेड इसलिए क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, और दूसरा भी क्रेस्टेड हॉकी गन, हाँ क्रेस्टेड हॉकी गन सूर्य वाला सर पकड़। अरे इधर के तो हमें भी समझा दो ना, टाइगर दिखने का राज लेपर्ड डिगर डबल, समझ गए ना, लेपर्ड डिगर डबल। अरे ये भाषा हम भी समझते, क्या बोलता है टाइगर होना, बाकी उसके बाद कहानी छोड़ दो इधर। क्या शुभम, बस आपके 15 पूरे हो गए, अच्छा
मैडम देखो उसने अपना फिर ऐसा कहीं नहीं करता इस टाइगर साइटिंग के बाद हम तो खुश थे ही थे बट हमारे कैंटर के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हमने आपस में अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, हमने काफ़ी बातें की क्योंकि उस साइटिंग के बाद हमें और टाइगर देखने की कोई ज़्यादा इच्छा ही नहीं थी। और हमारे साथ इस सफारी में एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर और उनकी वाइफ भी थी जिनके साथ हमने बहुत सारी बातें की, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। दरअसल किसी भी ट्रैवल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि हमारा जो भी मेन इंटेंशन है ट्रैवल करने का वो तो पूरा होता ही होता है। अदर देन दैट वी ऑल्सो गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यू नो न्यू पीपल, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हमने ये सफारी और ये पूरा ट्रिप बहुत ही हाई नोट पे एंड किया और हम फिर वहाँ से लौट चले अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो कि था बैंगलोर। एंड एज़ यू नो किसी भी ट्रैवल का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो मेरे हिसाब से वो उसका अंत होता है, दैट मीन्स इट्स एंडिंग। सो दिस एंडिंग वॉज वेरी वेरी इमोशनल बिकॉज यू नो वी हैड अ रियली गुड टाइम एंड वी नेवर वॉन्टेड टू रिटर्न एंड लीव द जंगल, बट हमें लौटना था क्योंकि हमें दोबारा फिर आना था। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट सीरीज ऑफ व्लॉग्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, शब्बा खैर।